छावनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा ये शख्स वासु शिर्के, जिसने मालेगांव शहर के बहुत से किसानों को, औरतों को, मर्दों को ज़मीन मामले में फंसाया है। पैसे नहीं देता, खरीदी कर लेता और लोगों को फंसाने का काम ये नौजवान करता है। मालेगांव शहर में छावनी पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2022 में वासु शिर्के के खिलाफ, उसके साथीदारों के खिलाफ ज़मीनी गैर व्यवहार में धोखाधड़ी करने का गुनाह दाखिल हुआ था। उसमें वो पुलिस से छिप रहा था, कल उसको छावनी पुलिस ने अटक की है। अटक करके आज उसको कोर्ट के सामने आगे की तफ्तीश के लिए हम लेके गए तो कोर्ट ने हमको उसमें PCR मंजूर किया है। उसके चलते आगे का उसका तपास किया जाएगा। वासु शिर्के और उनके साथीदारों ने कुछ लोगों को ऐसे ही और ज़मीनी गैर व्यवहार में फंसनों की है, धोखाधड़ी की है, ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं। उसमें भी हर एप्लीकेशन में क्वालिटी देखते हुए कायदेशीर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। सर, और कुछ लोगों को अगर ऐसा ये कहे तो आपसे संपर्क करें? हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को ऐसे ज़मीनी गैर व्यवहार में उसने धोखाधड़ी दी होगी तो वो भी उसकी कंप्लेंट खुल के कर सकते हैं, हम उसमें भी कायदेशीर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। एडिशनल SP अनिकेत भारती और छावनी पुलिस स्टेशन की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ कई मामलात धोखाधड़ी के दर्ज किए गए। अदालत में इसे आज पेश किया गया, जहां उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में रवाना करने का हुक्म अदालत ने सुनाया। वासु शिर्के ने माझे 2 प्लॉट खरेदी केले, ते म्हणजे खरेदी करताना त्याने खरेदी खत बदलून टाकले आणि मला जी रक्कम ठरलेली होती ती रक्कम त्यांनी दिली नाही मला। त्यामध्ये कुंदन बोरशे आणि हां संदीप हिरे हे दोन्ही दाखवलेले आहेत, खरेदीदार दाखवलेले आहेत त्यांनी। त्यांनी फक्त मला RTGSची रक्कम दिली आणि जी रक्कम ठरलेली होती ती दिली नाही। DD पण मला सगळा असा DDs दिला नाही त्यांनी मला, DD घेऊन ते पळून गेले। किती दिवसापूर्वी हा प्रकार? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद बशीर, मैं रहता हूँ इस्लामपुरा। हमारा अपना साइकिल का दुकान है, साइकिल शोरूम मुन्ना साइकिल। और मेरे साथ ज़मीन के अंदर एक फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड के अंदर जो मेन मास्टरमाइंड जो है आमिन कलेजी एक्स कारपोरेटर ये था। इसके द्वारा सके अपने वासु शिर्के, ये भाई गाँव में रहने वाला बंदा है, ये लोगों ने मिलकर एक ज़मीन का सौदा मुझसे किया और सौदा करने के बाद वो ज़मीन मुझको आज तक के नहीं मिली। प्लस मैंने अपनी एक ज़मीन भरने में दिया उनको और ज़मीन की खरीदी भी हो गई है, और ख़रीदी हो जाने के बाद जो है उनका नाम भी छड़ गया है। और मैं जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको जो ज़मीन का अपना सौदा हुआ तो मुझको वो ज़मीन मेरी वापस मिलना चाहिए, पर ज़मीन वापस मिली नहीं। ज़मीन का जो सौदा पूरा नहीं किया उन्होंने, कंप्लीट नहीं किया। अब मैं यहाँ पुलिस स्टेशन जब आया तो पुलिस में हमारी FIR दाखिल नहीं की गई। कब हुआ था ये? आज से 6 महीने पहले। और उसके बाद जब फिर हम यहाँ सिटी पुलिस स्टेशन, छावनी पुलिस स्टेशन दौड़ते रहे, यहाँ पर कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं सुना गया, तो हम क्या यहाँ से नासिक गए और उमप साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते आपके इस काम के अंदर कार्रवाई होगी, आप लोग 2-4 दिनों के बाद जाइए सिटी पुलिस स्टेशन में। तो हम सिटी पुलिस स्टेशन आए और उसके बाद आज जो बंदा हमारे साथ फ्रॉड किया था वासु प्रकाश शिर्के, आज उसको रात में 2 बजे अटक किया गया है। इसलिए सब जितने हम लोग थे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए सब लोग इकट्ठा छावनी पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो और हम लोगों का प्लाट हम लोगों को वापस मिले। कुछ पैसा भी आपने दिया है उसमें? मैंने उनको जो है 11 लाख रुपया दिया हुआ है, कुछ चेक द्वारा और कुछ कैश इन हैंड, और प्लस उसके साथ जो मैंने अपनी एक ज़मीन की खरीदी भी दे दी है। अब मेरी ज़मीन भी गई, मेरे पेमेंट भी गया, सामने से उन्होंने जो वादा किया था ज़मीन देने का आज तक वो ज़मीन भी वापस नहीं हुई। क्या खरीदी बिक्री ऑफिस के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इसमें डाउटफुल लगता है हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं इन लोगों को बॉन्ड स्टैम्प किस तरीके से मिल जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि समय होता है शाम में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान, उस समय वो घाई करके हमें डॉक्यूमेंट पढ़ने भी नहीं देते हैं और बोलते हैं तुरंत साइन करो, आपको हम चेक दे देते हैं, DD दे देते हैं, केस दे देते हैं। इतना बोलने के बाद अपना काम निकाल लेने के बाद नीचे आने के बाद धक्का मुक्की करके वो हमें
छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस ने गुजारिश की है कि जिन लोगों को वासु शिर्के के खिलाफ शिकायत हो, जिनके पैसे डूब गए हो या उनके साथ गलत हुआ हो, वो पुलिस से राबता कायम करें और बेझिझक होकर अपनी शिकायत दर्ज